आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे मात्र 1 कप सूजी से रस भरी रस मलाई, जो कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम मिठाई बनाने के लिए गैस जला करके इस पर हम एक पैन रखे हैं। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी को डाल देंगे। जैसे ही हमारा देसी घी थोड़ा सा घुल जाए यानी गर्म हो जाए, तो इसमें हम दूध डाल देंगे। आपके पास अगर 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप 1.5 कटोरी दूध ले लीजिएगा, आप उसी अंदाज से ले लीजिएगा। यहाँ पर हम दूध को डाल दिए हैं। दूध हमारा अच्छा से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सूजी ले लिए हैं। सूजी हमारा 1 कटोरी था, तो यहाँ पर हम 1.5 कटोरी के लगभग मैंने दूध लिए थे। यहाँ पर डालते जाएंगे, इनको हम मिलाते जाएंगे, एक बाइक नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते डालते इस तरीके से मिलाएंगे। अच्छा सा हम सूजी को हम दूध के साथ यहाँ पका लेंगे। जिस तरीके से हम आटा का गोल बनाते हैं ना, उस तरीके से इनको हम डो जैसे एकदम पका करके सुखा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे अच्छे से डो बन के तैयार हो गया है। इनको हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए थाली में। यहाँ पर हम सारे सूजी को अच्छे से निकाल करके इनको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है। तब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम पैन बिठा दिए हैं, पैन में हम पानी डाल दिए हैं, यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे। यहाँ पर हम 500 ग्राम चीनी लिए हैं, 500 ग्राम चीनी को डाल देंगे। यहाँ पर हम 2 इलायची को हम निकोल करके डाल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास अगर केसर है तो आप थोड़ा सा केसर भी डाल लीजिएगा। तब तक से हमारे चाशनी बन रहे हैं। यहाँ पर इनको हम सूजी वाले को क्या करेंगे ना, इनको अच्छे से हम मसल मसल कर आटे के जो डो जैसा तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटे रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं ना, उसी तरीके से इनको हम आटे जैसे एकदम मसल मसल करके गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सूजी अच्छे से एकदम मुलायम हो गया है। अब हम यहाँ पर रसगुल्ले जैसा एकदम शेप देंगे, छोटा छोटा बाउल जैसे बनाएंगे। आप अपने पसंद से बना सकते हैं छोटा या बड़ा, लेकिन छोटा छोटा ही बनाइएगा। तो यहाँ पर हम देखिए छोटा छोटा इस तरीके से बना लेंगे। एक हम बना लिए हैं, एक और हम बना करके आप लोग के दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हम छोटा छोटा सारे हम बाउल जैसा बना करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम समय में ये रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे बन गए हैं, यहाँ पर सारे रसगुल्ले बन गए हैं। यहाँ पर हम चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी को हम बीच बीच में चलाते रहे हैं। चाशनी यहाँ पर हमारा बन करके तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा चिपचिपा एक तार के होने लगा है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। चाशनी वाले यहाँ पर हम पैन बैठाएंगे, पैन में हम डालेंगे तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे, ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे। तेल हमारा जस्ट गर्म होगा, इसमें हम रसगुल्ले को डालेंगे। रसगुल्ले को डाल करके अच्छा सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तलते समय आंच को आप मीडियम रखिएगा, ज्यादा तेज नहीं आंच रखिएगा, ना तो ऊपर से जल जाएगा, नीचे से कांचा रह जाएगा। तो इसलिए आंच को यहाँ पर मीडियम रख करके इनको धीरे धीरे तलिएगा। तो फ्रेंड्स ये चाशनी आपको ज्यादा नहीं पकाना होता है, बस एक तार का जब चाशनी बन जाए ना, तो यहाँ पर आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे रसगुल्ले अच्छे से एकदम तल गए हैं, धीरे धीरे इनको हम अच्छे से तले हैं। यहाँ पर इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे रसगुल्ले को तल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी मीठा खाने का मन हुआ ना, तो इस तरीके से मिठाई आप बना सकते हैं। देखिए दूसरे राउंड में भी उसी तरीके से हम डालेंगे, इनको भी उलटते पलटते हुए मीडियम आंच पर इनको भी हम उसी तरीके से सेम हम तल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारे तल गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं जस्ट उसी थाली में। यहाँ पर हम इसी तरीके से सारे रसगुल्ले को तल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रसगुल्ले तल गए हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा चाशनी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पहले हम गैस को बंद कर दिए थे, तो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। इसलिए देखिए थोड़ा सा इनको हम गर्म करेंगे। चाशनी हमारा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम रसगुल्ले को डाल देंगे, तला हुआ रसगुल्ले को डाल देंगे, क्योंकि चाशनी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। ज्यादा ठंडा में डालिएगा तो ये रस नहीं खींचेगा अंदर तक से। यहाँ पर हम एक कटोरी में इनको हम ट्रांसफर कर देंगे सारे रसगुल्ले को। देखिए बहुत ही एकदम टेस्टी ये गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो गया है। अब इनको हम क्या करेंगे ना कि आधे घंटे के लिए इनको हम रेस्ट में रखेंगे, ताकि सारा चाशनी अंदर तक से चला जाए। यहाँ देखिए आधे घंटे के बाद हम इनको देख रहे हैं, देखिए अच्छा सा एकदम चाशनी अंदर चला गया है। आप लोग हम एक तोड़ करके भी दिखाते हैं। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही घर के सामान से ये रसगुल्ले बन करके तैयार हो गया है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।